प्रश्न पूछा था कि दंड का निर्धारण कैसे होता है। चलो किसी ने पाप कर लिया, चलो किसी ने पाप कर लिया, ये बताओ कि दंड का जो है वो निर्धारण कैसे होगा, कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति ने पाप किया है। तो यमदूतों ने उनको एक रहस्य की बात बता दी। यमदूतों ने बोला, देखो, यमदूतों ने कहा, सूर्य, अग्नि, देवता, चंद्र, संध्या, दिन, रात्रि, दिशाएं, जल, भूमि, स्वयं परमात्मा साक्षी हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। अब आप मुझे बताओ, ये इतने सारे लोग हैं, किस किस से बचोगे, कैसे छुपकर पाप कर लोगे, ये बता दो। छुपकर पाप करना असंभव है। इसका मतलब है कि कोई भी गोपनीयता नहीं है आपके जीवन में। ये सीसीटीवी कैमरे तो अब आए हैं, भगवान के सीसीटीवी कैमरे तो अनादिकाल से लगे हुए हैं। अनादिकाल से भगवान आपके हर गतिविधि, हर कार्य पर भगवान ने नजर रखी हुई है। जब मर के जाएंगे हम यमराज के सामने, तो यमराज बोलेंगे, ओ तूने ये पाप किया था? हम बोलेंगे, नहीं, हमने तो नहीं किया। तो यमराज बोलेंगे, अरे जरा ये सूर्य को बुला के लाना, ये चंद्रमा को बुला के लाना, ये दिशाओं को बुला के लाना, ये हवा को बुला के लाना, ये संध्या को बुला के लाना, ये आग को बुला के लाना। वो साक्षी दे देंगे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि आपने अपने घर की कुंडी लगा ली, लाइट बंद कर दी, कोई नहीं देख रहा। बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, इसीलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और एक भक्त हमेशा सतर्क रहता ही है। उसके सतर्क रहने का कारण कुछ और होता है। तो यमदूतों ने बोला कि इन लोगों की साक्षी पर दंड का निर्धारण होता है। तो विष्णु दूतों ने पूछा, अच्छा दंड दिया कितना जाता है, दंड की मात्रा कितनी होती है, ये तो बताओ। कि दंड, चलो समझ में आ गया, साक्षी समझ में आ गई कि साक्षी आ गए सामने, अब झूठ नहीं बोल सकेगा, झूठ पकड़ा जाएगा, दूध का दूध पानी का हो जाएगा, दंड की मात्रा कितनी है। तो यमदूतों ने बोला, येन यावान यथा अधर्मो, धर्मो एव समीहिता, कि जितने आपने अधर्म किए उतना ही आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, जितने आपने धर्म किए उतना आपको पुण्य मिलेगा। स एव तत्फलम भुंगते तथा तावत अमूत्र गए, जितने पाप करोगे उतना कष्ट मिलेगा, उतनी मात्रा में, न ज्यादा न कम, और जितना धर्म करोगे उतना सुख मिलेगा। अब यहां पर एक रहस्य की बात है, यमराज जी ने बोला, देखो, यमराज जी ने ये बात, इस रहस्य पर से पर्दा उठाया। यमराज जी ने बोला कि पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। अब आप, हो सकता है गुस्सा आ जाए आपको, आप बोलो कि पाप तो पाप है, समझ में आ गया, सबको समझ में आता है, ये पुण्य भी पाप कैसे हो सकता है? मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये क्या मतलब है भाई? अगर पुण्य करेंगे वो भी पाप है? ओ भैया, ये तो बड़ी
हैरानी की बात हो गई। तो यमराज जी इसका स्पष्टीकरण देते हैं। यमराज जी ने बोला, देखो अगर आप पुण्य करोगे तो क्या होगा, अगर आप पुण्य करोगे तो आपको सुंदरता मिलेगी उसके फल के रूप में, धन मिलेगा, बल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, अच्छे खानदान में जन्म मिलेगा, यही तो होगा, यही तो फल होता है पुण्य का। तो यमराज जी ने पूछा कि जब तुम्हारे पास बल होगा, जब तुम अच्छे खानदान में, तुम्हारा बहुत अमीर परिवार में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, ढेर सारा धन होगा, तुम खूब बलशाली हो गए, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान होगा, तो ये बताओ करोगे क्या, ये बता दो करोगे क्या। तो यमराज जी ने बोला, जब तुम्हारे पास ये सारी सुविधाएं होंगी तो सबसे पहले तुम्हारे मन में अहंकार आ जाएगा। पहले तो गरीब थे, पाप करने का मन कर रहा था, सुविधा नहीं थी, शराब पीने का मन कर रहा था, पैसे नहीं थे, मांस खाने का मन कर रहा था, पैसे नहीं थे, मन मसोस के रह जाते थे, अपने मन पर पत्थर रख लेते थे। अब तो जेब में 2,000-2,000 रुपए के नोट है नए वाले, अब तो जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे। तो यमराज जी ने बोला, जब पुण्य करोगे तो पाप करने की ज्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी, जब पाप करने की ज्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी तो ज्यादा तेजी से पाप करोगे, और जब ज्यादा तेजी से पाप करोगे तो क्या होगा, ज्यादा देर नरक में रहना पड़ेगा। अब तो माथा पीटने वाली बात हो गई कि पाप तो चलो करें ही ना करें, पुण्य भी ना करें तो करें क्या। तो ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर दिया ब्रह्म संहिता में। भगवान कृष्ण भी चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो भगवद गीता में भी चर्चा हो रही है इस बात की। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यस्तु इंद्र गोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्मा बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो जो ना तो पाप है ना पुण्य। तो ये प्रश्न खड़ा हो गया, ये प्रश्न सामने आ गया कि ऐसे कौन से कर्म है जो पाप है ना पुण्य है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो ऐसे कर्म भी हैं जिसका ना तो पाप फल मिलता है ना पुण्य फल मिलता है, तो ऐसे कौन से कर्म है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, किंतु च भक्ति भाजाम, जो भगवान की भक्ति है वो ऐसा कर्म है कि उसका ना तो पाप है ना पुण्य है, ना पाप है ना पुण्य है, ये तो एक बात हो गई। भगवान की भक्ति ऐसी, ऐसा साधन है, ऐसा ऐसा शस्त्र है भगवान की भक्ति, कि जो आपने पहले से पाप और पुण्य कर रखे हैं वो भी नष्ट कर देता है। लेकिन हम तो नहीं चाहते हमारे पुण्य नष्ट हो, हाँ हम चाहते हैं हमारे पुण्य नष्ट हो जाए। क्यों हमारे पुण्य नष्ट होने चाहिए पाप के साथ साथ, क्योंकि अगर पुण्य भी रहेंगे तो उस पुण्यों के भुगतान के लिए हमें दोबारा यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा हमें यहाँ पर उसको भोगने के लिए। हम नहीं भोगना चाहते, क्योंकि जब हम पुण्यों को भोगने जाएंगे तो 10 गुना तेजी से हम पाप भी करना शुरू कर देंगे। इसीलिए अब बात समझ में आ गई कि नहीं पाप करना है ना ही पुण्य करना है, हमें भक्ति करनी है। हम अपने जीवन को इस प्रकार से ढालेंगे कि हम ना तो पाप करें ना पुण्य करें, अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दें, तो हम पाप और पुण्य के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। जब ना पाप रहेंगे ना पुण्य रहेंगे तो फिर ना पाप को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा ना पुण्य को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी।
अब विष्णु दूतों का अगला प्रश्न आया कि क्या सभी जीवों को दंड मिलेगा, तो यमदूतों ने बोला कि सभी जीव प्रकृति के तीन गुणों से दूषित है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कि प्रकृति के तीन गुणों से बंधा नहीं हुआ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भौतिक शरीर स्वीकार करने वाला कोई भी जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता। अर्जुन ने बोला था, अर्जुन ने भगवत गीता, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण को बोला था, मैं निष्क्रिय रह के मैं भीख मांग के गुजारा कर लूँगा, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। भगवान कृष्ण ने बोला, देखो चेष्टा किए बिना, काम किए बिना एक क्षण भी कोई भी जीव नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना कोई काम किए ऐसे ही पड़े रहो एक जगह पर। तो यमदूत कह रहे हैं कोई भी जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता, इसीलिए भौतिक जगत के सारे जीव दंड के अधिकारी हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो दंड का अधिकारी नहीं है। हर व्यक्ति को दंड मिलेगा ही मिलेगा, हर व्यक्ति को दंड मिलेगा। ये तो बहुत समस्या की बात हो गई, ये तो बहुत तकलीफ दे बात हो गई। हम इन तीन सुंदर स्त्रियों के माया जाल में फंस जाते हैं। हम ये जो तीन सुंदर स्त्रियां हैं, ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हो क्या रहे कि इन्होंने हमें कठपुतली की तरह रस्सी से बांधा हुआ है और हमें नचा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, प्रकृति वास्तव में हमारा शोषण कर रही है। हम इस भौतिक प्रकृति के गुलाम हैं। हम कोई वेतन नहीं दे रहे, भौतिक प्रकृति से हमें कोई वेतन नहीं मिलता, फिर भी भौतिक प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। बल्कि उल्टा काम है, जो पुरुष लोग हैं विशेष रूप से, वो तो पैसे देते हैं नौकर बनने के। घर में पैसे देते हो नहीं देते? घर में सुबह से शाम तक काम भी करते हो और पैसे भी देते हो। कितनी अजीब बात है। और उससे भी अजीब बात है कि दिन रात बैल की तरह काम करते हैं। भागवतम में लिखा है कोलू के बैल की तरह पुरुष पिसता रहता है, कोलू के बैल की तरह, जैसे कोलू के बैल के मुंह से झाग निकलती है मेहनत करने के कारण, उसी तरह से जो पुरुष है उसके मुंह से झाग निकलती है। इतनी मेहनत करता है फिर भी मन में क्या सोचता है कि मैं तो घर का मुखिया हूं। अच्छा, आपको ये बात भी स्पष्ट कर देते हैं, घर के मुखिया की बात निकली है, ये बात भी स्पष्ट कर देते हैं। मुचकुंद का नाम सुना है आपने? मुचकुंद का नाम, जब भगवान ने काल यवन को भी मारा और मुचकुंद को नींद से भी जगा दिया था भगवान ने। पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, ये बात रह जाएगी नहीं तो। जब भगवान ने मुचकुंद को जगाया भगवान कृष्ण ने, तो भगवान ने बोला, मांगो क्या मांगते हो, तुम्हें ढेर सारी पत्नियां, पूरे संसार का राज्य दे दूं तुम्हें। मुचकुंद ने कहा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई इतने डरने की क्या बात है, राजा बना रहा हूं, डर क्यों रहा है भाई, क्या परेशानी है, मैं तो वरदान दे रहा हूं। तो मुचकुंद ने कहा, एक बार ले चुका आपका ये वरदान, पहले भी तो राजा था मैं, और मुझे पता चल गया घर से बाहर कोई व्यक्ति कितना भी यूं करके चलता है, जैसे ही पत्नी के कमरे में घुसता है पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करता है। कह रहे कि भैया, अरे मुझे नहीं दोबारा पालतू कुत्ता बनना, मैं नहीं राजा बनना चाहता, मैं
अनेक स्त्रियों का पति नहीं बनना चाहता। ये हालत हो जाती है, ये हालत हो जाती है, कठपुतली की तरह नाचते हैं। और ये दोनों ये सोच रहे हैं, ये दोनों जो भले आदमी हैं, ये दोनों सोच रहे हैं कि हम ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, हम ईश्वर हैं। अबे तू रस्सी से बंधा हुआ है भाई, देख नहीं रहा तू, ऊपर देख रस्सी से बंधा हुआ तू। भगवान कृष्ण इसकी व्याख्या कर रहे हैं भगवद गीता में, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्नते। सारे काम प्रकृति के तीन गुण करा रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। सारे काम प्रकृति के तीन गुण करा रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से इतने मूर्ख बन चुके हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम, मैं करने वाला हूं इति मन्यते, यही सोचते रहते हैं। यही सोचते सोचते पूरा जीवन खत्म हो जाता है हमारा, यही सोचते सोचते। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, आखिर इससे छूटने का क्या साधन है, कैसे इससे छूट सकते हैं हम, ये बताइए हमें। तो यमदूतों ने बोला, एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यया, कि व्यक्ति की जीव की विपत्ति शुरू होती है प्रकृति का संग करने से। अगर ईर्ष संगात विलियते, अगर वो भगवान का संग करेगा, विलियते खत्म हो जाएगी। प्रकृति का संग करने से विपत्ति शुरू हुई, भगवान का संग करने से वो प्रकृति, वो जो बुरी दशा है वो हमारी खत्म हो जाएगी, तुरंत नष्ट हो जाएगी वो। तो ये प्रश्न उठा कि जो हरि नाम का जप है किन लोगों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित है। ये सब भागवतम में वर्णित है, मैं भागवतम से बाहर तो जा ही नहीं रहा, ये सारी बातें आपको भागवतम से बता रहा हूं आपको। अब मैं जो बात बता रहा हूं ये भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 9वां-10वां श्लोक है। और ये किसकी बात होने वाली है, ये किसकी बात होने वाली है, ये आपकी और मेरी बात होने वाली है, ये आपकी और मेरी बात होने वाली है, ये याद रखना। तो यमदूतों ने बोला, देखो सोने चुराने वाला, अगर किसी ने सोना चुरा लिया, कोई शराबी है अपने दोस्त के साथ विश्वासघात कर रहा है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार कर रहा है कोई व्यक्ति, हत्यारा है ब्राह्मण का, स्त्री का, राजा का, गाय का, तो कौन रह गया, अब कौन रह गया। तो यमदूतों ने कहा, और जो भी रह गए, कोई भी और छूट गया हो अगर इसमें से, अन्य सभी पापियों के लिए हरि नाम का जप सर्वोत्तम प्रायश्चित है। हरि नाम का जप सारे पापों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। बृहद विष्णु पुराण में लिखा है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति। आप इतने पाप कर ही नहीं सकते, आप में शक्ति नहीं है इतने पाप करने की। पातकम पातकी सा पातकी नरा, जो पापी व्यक्ति है उसमें इतनी शक्ति नहीं है इतने पाप करने की। हरि नाम का केवल एक बार जप करने से पापी व्यक्ति जितने पाप कर सकता है उससे अधिक के फल का निवारण हरि नाम कर लेता है। उतनी ताकत ही नहीं है करने की, आप और मैं मिलके इतने पाप कर ही नहीं सकते कि एक बार हरि नाम लेंगे तो वो खत्म नहीं हो जाएंगे, इतनी शक्ति नहीं है हमारे में। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, अवशेनापी यन नामनी, अवश्य होकर असहाय अवस्था में
अगर खुशी से भगवान का नाम नहीं लिया, सड़ते हुए, कुड़ते हुए, रोते हुए, धोते हुए, कैसे भी अब अवश्य वशीभूत हैं, असहाय हैं, अवश्य अवश्य नापि यन नामनी कीर्तिते सर्वपात के पुमान विमुचित्ते सद्या सिंह त्रस्तेर मृगेनिवा। जैसे शेर की धाड़ सुनकर छोटे मोटे जानवर भाग जाते हैं, ऐसे ही अगर असहाय अवस्था में बिना मन के, बेमन अगर हरि नाम ले लिया तो भी सारे पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। स्कंद पुराण में क्या लिखा है? स्कंद पुराण में लिखा है, सकृत उच्चारितम येन हरिर इति अक्षरम द्वयम्। हरिर इति अक्षर द्वयम्, हरि ये दो जो अक्षर हैं, ये दो अक्षर हैं, बद्ध परिकरस तेन मोक्षाय गमनम प्रति। अगर किसी ने केवल एक बार भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर लिया जिसमें दो शब्द हैं ह और री, उसके मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाता है, उसके मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाता है। लेकिन अगर विश्वास नहीं हुआ, अगर हमने भगवान के नाम का कुछ और उल्टा सीधा मतलब निकाल दिया, तो जैमिनी संहिता में उन लोगों के बारे में भी लिखा है। भगवान से प्रार्थना करना कि आप इन लोगों में आपकी गिनती ना आ जाए। जैमिनी संहिता में लिखा है, श्रुति स्मृति पुराणेशु नाम महात्म्य वादिषु ये अर्थवाद इतनी ब्रूढ़ ना तेषाम निरय क्षय। जो लोग श्रुति स्मृति पुराणों में वर्णित हरि नाम की सुंदर महिमा का गलत मतलब निकालते हैं, वो सदैव नरक में वास करते हैं। तो हरि नाम, हरि नाम का अगर गलत मतलब नहीं निकालेंगे, चाहे असहाय अवस्था में भी ले लिया तो भी सदगति प्राप्त होगी। लेकिन कितने ही पुण्य कर लो, अगर हरि नाम के बारे में गलत बोला, हरि नाम का गलत मतलब निकाला, तो सदैव नरक में वास मिलेगा। दो धारी तलवार, सामने वाले का गला भी काटेगी और अगर आप सावधान नहीं हो गए तो आपका भी गला कट जाएगा। ये याद रखना है इस बात को। महाभारत में क्या लिखा है? 135-13 में, ना वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। वासुदेव के भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम वापी उपजायते। वासुदेव के जो भक्त हैं उनके साथ कभी अशुभ घटित नहीं होता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार कर जाते हैं। आप बोलोगे ये बात तो झूठ लग रही है, पांडवों का चरित्र हमने भी पढ़ा है, पांडवों के साथ ऐसा कौन सा दुख है जो उन्होंने नहीं झेला? विष उन्होंने खाया, समुद्र में उनको फेंका गया, आग में उनको जलाया गया, अपनी पत्नी का सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपमान सहा, राज्य छिन गया, वनवास करना पड़ा, नरभक्षियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या उन्होंने नहीं झेला। आप कैसे कह सकते हो कि जो वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित, कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता? तो जहां पर ये सारी बातें हुई, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपने कहीं पढ़ा किसी पांडव ने ये बोलते हुए, अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, ये हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है? उन्होंने कोई कंप्लेंट, कोई उन्होंने शिकायत नहीं की पांडवों ने, कुंती महारानी ने कोई शिकायत नहीं की। कुंती महारानी तो बल्कि इससे उल्टा बोल रही है, कुंती महारानी कह रही है हमें दुख दे दो, क्योंकि दुख होंगे तो आपका साथ मिलेगा, अगर दुख नहीं होंगे आपको भूल जाएंगे। तो सबसे बड़ा अशुभ इस संसार में पता है क्या है? सबसे बड़ा अशुभ इस संसार में भगवान नाम की विस्मृति है, भगवान का नाम ही भूल गए, ये सबसे बड़ा अशुभ है किसी के जीवन में। हाथ पैरों में दर्द हो गया, बीमारी हो गई, बुढ़ापा हो गया, धन छिन गया, ये अशुभ नहीं है।
अशुभ है कि हमारे मुंह में हरि नाम आना छूट गया, ये अशुभ है। तो जब ये सारी बातें यमदूतों ने बोल दी तो विष्णु दूतों ने बोला कि अरे तुम तो धर्मराज के प्रतिनिधि हो, ये धर्मराज कब से अधर्म के अंदर प्रवृत्त हो गया। सब लोग त्राही त्राही करके यमराज की शरण में जाते हैं, अगर यमराज ये अधर्म करना शुरू कर देगा तो लोग जाएंगे कहां। अगर यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवेतरो जना, यह सत् स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो प्रमाण रखता है, जो जनसाधारण है उसका पालन करते हैं, अगर यमराज ही अधर्म में प्रवृत्त हो गया तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो जाओ जाकर यमराज से पूछो, अपने स्वामी से पूछो कि वो क्यों अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है। जाके पहले चेक तो करो, पहले पता तो लगाओ कि ये जो अजामिल है इसके खाते में कुछ पाप लिखे हैं कि नहीं लिखे हुए। जाके पहले पता तो लगाओ इस बात का।